नया भारत बनाना लिखित संबोधन से कहीं बढ़कर मुश्किल है। 70 साल पहले सभी भारतीयों की असीम ऊर्जा, प्रयास और संकल्प ने देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के 5 साल के भीतर देश स्वतंत्र हो गया। आज की तरह तब एक आधारशिला रखी गई थी और उसके कामयाब होने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों की जरूरत थी। प्रधानमंत्री की ओर से संकल्प से सिद्धि 2022-23 तक नए भारत के निर्माण का आवाहन है। ये बातें नीति आयोग के उस दस्तावेज में हैं जो न्यू इंडिया एट 75 नाम से जारी किया गया है। नीति आयोग ने नए भारत की कल्पना करते हुए जो विजन डॉक्यूमेंट न्यू इंडिया एट 75 जो देश के सामने उसकी एक तस्वीर रखी है, वो डिफरेंट सेगमेंट्स की एक्सपर्टाइज रिपोर्ट्स को एक साथ कोलेबरेट करते हुए देश को एक नया भारत बनाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। इसकी प्रस्तावना में उन रणनीतियों का उल्लेख है जो नए भारत के निर्माण में सहायक हैं। ऐसा लग रहा है कि नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमें उपहार में मिलने जा रहा है। महात्मा गांधी ने जब चाहा तो अंग्रेजों से आजादी महज 5 साल के जोरदार भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिला दी थी। योजना आयोग को भंग कर बने नीति आयोग ने करीब 4 साल में जितने दस्तावेज निकाले हैं उनमें सर्वाधिक चर्चा इसी की हो रही है। इसके पास देश के लिए एक दृष्टि है और यह देश के कार्यकारी प्रमुख की दृष्टि के समानांतर देखता है। दावा है कि इसने 4 से 5 साल के लिए विकास का नया ब्लूप्रिंट बनाने में 1300 सरकारी और गैर सरकारी विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया है। प्रस्तावित नए भारत की तह में जाने से पहले आइए देखते हैं कि दस्तावेज साफ तौर पर क्या कहता है। इसकी भाषा, संदर्भ और प्रस्तावना से ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी के बाद हमारे पास एक और महात्मा है जो देश को एक नई व्यवस्था दे सकता है। नीति आयोग के इस दस्तावेज में भारत छोड़ो आंदोलन को बेंचमार्क बनाया गया है। ऐसे में यह दलील दी जा सकती है कि आजादी के बाद यह भारत का पहला दृष्टि पत्र है, यानी विजन डॉक्यूमेंट है। दस्तावेज की शुरुआती टिप्पणी में मोदी कहते हैं कि यह एक जन आंदोलन है। मोदी ने अपने कार्यकाल में इस शब्दावली का जमकर प्रयोग किया है। लगता है उन्होंने यह शब्दावली गैर सरकारी संगठनों से छीन ली है। इस मामले में हालिया इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतना कामयाब नहीं हुआ है। उनकी नई दृष्टि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नियति से भेंट के आवाहन से मिलती जुलती है। नए भारत के शोर के बीच अगर इस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट को, रणनीतिक दस्तावेज को गौर से देखा जाए तो ये आवाहन औधे मुंह गिरता है। बदलाव के मुख्य घटकों में रोजगार, आर्थिक विकास, किसानों की दुगुनी आय और सबके लिए आवास के अलावा सेवा क्षेत्र का विस्तार शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी घटक उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। इनके लिए बन रही रणनीतियां नई नहीं है। कहा जा रहा है कि देश में कृषि विकास दर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए और कृषि बाजार में सुधार की आवश्यकता है। भारत अब तक इन घटकों को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं कर पाया है। बहुत अच्छी पॉलिसीज बन रही है, बहुत अच्छी योजनाएं हो रही, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसमें हर्डल कहाँ से है, उसमें डिफिशिएंसीज कहाँ, लैप्सेस कहाँ कहाँ पे हैं। जो अच्छी योजनाएं बनती हैं उसका कोई आउटकम नहीं होता। ध्यान से इस पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि जिस नए भारत की बात हो रही है उसमें कुछ भी नया नहीं। ऐसे में पुराना आवाहन दोहराना नए दृष्टिकोण के बजाय असफलताओं को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं।